अबा अबरिजाकुम महमद सल्ला वसम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं वाला के रसूल अल्लाबीन हाँ अल्लाह के सच्चे मोहम्मद महमद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हाँ अल्लाह के रसूल और सब नबियों के आखिर हैं कुरान पाक की सयात मुक़दसा में रबीमिन ने हज़ूर सैद आलम सल्लाम को नबियों का खातिम इरशाद फरमाया और कुरान पाक की इस आयात की जो तफसर है खुद रसूल मकरम नूर मुजस्म सलातम ने बयान की फरमाया ला नबी आबाद फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं याद रखो खातिम का माना होता है आखिरी चीजों को मुकम्मल करने वाला खत्म करने वाला एक खातिम का माना होता है मुहर जब पूरा मजमून लिखा जाता है तो तस्दीक की मुहर सब आखिर में लगाई जाती है इस माना में कि तमाम अम्बिया अलीम्सलातलाम के बाद जब नबी सलातम तशरीफ ले आए तो बाबे नबूवत पर खत्म नबूवत की मुहर लगा दी गई किसी भी चीज को जब बंद किया जाता है तो उसके ऊपर मुहर लगाई जाती है कि ना अब इसमें कोई चीज दाखिल हो सकती है और ना इससे कोई चीज निकल सकती है मुहर का मकसद ये होता है किसी चीज को जब सील करते ऊपर मुहर लग जाती है कब इसके अंदर से भी कोई चीज नहीं निकलेगी और बाहर से इसमें कोई चीज दाखिल नहीं होगी नबीलाम खात अमन नबीन कि जब हुजूर आ गए अब जो पहले जितने अम्बिया कराम तशरीफ ले आए ले आए अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा और यह वाहिद मुकद्दसा है जिसकी तफसीर खुद जुबान रिसालत ने खोल कर बयान की है कि ला नबी आबाद मेरे बाद नबी कोई नहीं किसी भी सूरत में किसी भी शक्ल में हुजूर के बाद कोई आके कहे कि जिल्ली बारूजी शरी अमूवी किसी भी एतबार का दावा करे उसका दावा काबिल कबूल नहीं है काबिल अमल नहीं है और ख़त्म नबूवत का असल मफहूम क्या है अब ये सवाल किया भी जाता है, है भी कि जब यह कहा जाता है कि ईसा अलीसलातलाम कयामत तशरीफ लाएंगे वो तो अल्लाह के नबी हैं तो फिर खातमीत मुहम्मदी का क्या माना हुआ खातमियत मुहम्मदी का माना है कि हुजूर आलाम के बाद किसी को शरफ नबूवत नहीं दिया जाएगा किसी को ताज नबूत नहीं दिया जाएगा ईसा अलीसलातम को जो नबूत मिली वह हजूर की आमद से पहले मिली है अलैहि वसल्लम से पहले उनको नबूवत मिली है अब मनसब नबूत के बाद जारी नहीं होगा और यही खा तमन नबी जी का जो माना लिखा है इसकी बहुत सारी बातें कि माँ का ना मुहम्मद अबा के मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है इसकी ओला ने बड़ी वजाहत की शान नजूर इसका था हज़रत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तु नबी करीम करीमलातम के ये पक्के सच्चे सुच्चे ग़ुलाम और हज़ूर की बारगाह में रहते थे हती के इस क़दर हजूर अलीसलातम के प्यारे गुलाम थे कि लोग कहते थे जैद बिन महम्मद कि ये हज़ूर के बेटे हैं और ये मैं पीछे एक वाक़े में बयान किया कि जैद बिन हारसा के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने जैन बिनते जहश का खुद रिश्ता लिया था अब अल्लाह हारिसन और हजरत जनाब जैनब बिनते जहश इनका रिश्ता अजवाज कुछ ज्यादा देर नहीं चल सका हजरत जैद पाक ने उन्हें तलाक दे दी और जब इद्दत मुकम्मल हुई तो हजरत जैद बिन जह... बिनते जहश से नबी इस्लाम ने निकाह फरमाया और कुरान पाक ने इसको बयान किया फलम्मा कदा वातरम ज़वज़ना कहा फिर जब जैद की गर्ज इससे निकल गई तो अमने इसको तुम्हारे निकाह में दे दिया और जिस वक्त पूछा गया नबीलात से आपने जैनब बिनते जहा से जो निका किया है किसकी मर्जी से किसने हुक्म दिया तो नबी नबीम ने फ़रमाया मेरे अल्लाह ने इनसे निकाह निका का हुक्म दिया है। नबी क़रीम करीमलात ने जब इनसे निकाह फरमाया तो कुफ़ार मक् मुशरक़िन मक् ये बात कहने लगे कि देखो एक नया दीन ले के आया है पाकिजगी और तहारत की बात करता है तो नाउज़बिल्ला अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया अब यह जब बात हुई तो अल्लाह ने कुरान भेजा ये एतराज था ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो फरमाया कि माँ काना मुहम्मद आबादि जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है क्योंकि नबी अली सलातु सलाम के जो मुबारक बेटे थे वो कम सनी में उनका विशाल हुआ है कम सनी में वो बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे तो फरमाया कि तुम मर्दों में से मेरा नबी किसी का बाप नहीं है तुम कैसे कहते हो कि नबी इस्लाम ने अपने बेटे की बीवी से निकाह किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो कम सनी में जिनका विसाल होया उनकी हिकमत में भी ओलामा ने यह बात लिखी है क्योंकि एक दस्तूर चला रहा था जनाब आदम से लेकर हुजूर की आमद हजूर से पहले जितने पैगम्बरानी हक आए कि नबी का बेटा अल्लाह उसको नबूत अता करता था या नबी के भाई को मिल जाती थी या नबी के बेटे को ही और लोग उसको ही नबी मानते थे अब मुमकिन था कि हजूर अली सलात के बाद नबी नबीस्लाम के बेटे जनाब कासम तैयब ताहिर जवान होते और इस बात में था शायबा के कोई उनको कहता कि नबी का बेटा नबी होता है बाकी नबियों के बेटे अगर उनको नबूत मिली तो मुहम्मद के बेटे को क्यों नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम सनी में उनको बुलाया किस लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूत के तहफ के लिए एक नुकता ये ने इसमें बयान किया है तीसरा खत्म नबूवत पर दलील देते हुए फरमाया कुरने पाक में जब यह आयातें मुकदसा नाजुल हुई लकुम दीनकुम वाली मतीदी तो इस्लाम तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो चुका है तकमील दीन इस बात की अलामत थी और अलामत है कि जब दीन मुकम्मल हो चुका किताब मुकम्मल हो चुकी कानून कुदरत मुकम्मल हो चुका तो अल्लाह के कानून कुदरत को लाने वाले उसका जरिया बनने वाले वो ताज नबूवत होता है वो सिलसिला नबूवत होता है तो सिलसिला नबूवत भी हुजूर पर मुकम्मल हो चुका और सुर नसर जब नाजिल हुई जब सुर नसर नाजुल हुई तो सियाबा खुश थे इस बात पर मगर अब्दुल्ला बिन अब्बास उम्र पाक रो रहे थे लोगों ने पूछा तुम क्यों रोते हो क्या इस सूरत के नजूल का मकसद ये कि नबी अलैहिस्सलाम अब चंद दिन हम में मौजूद हैं फिर इस दुनिया से चले जाएंगे और उम ए ऐमन के पास जद हजरत उमर पाक गए अबू बकर सद्दीक के साथ इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जोज मोहतरमा है और एक रवायत में उम्म सुम के पास गए तबरुक के लिए बरकत के लिए जब यह बात सुनी तो हजरत उम्म रोने लगी और यह कहने लगी कि तुम नहीं जानते कि जो अल्लाह का जमीन के साथ ताल्लुक था वह अब टूट गया अल्लाह नबी अली सलाम के जरिए लोगों से हम कलाम होता था जमीन पर हुजूर की जात थी कि जिससे अल्लाह जबरील के जरिए या डायरेक्ट हुजूर सल्लासम से हम कलाम होता था अब हुजूर चले गए आज आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा जब नबी नहीं आएगा तब सिलसिला वही अल्लाह के अहकाम और कलाम आना भी बंद हो जाएंगे ये इतनी बड़ी बात हजरत उम्म पाक ने कही और यही वो बात थी कि जो कुरने पाक ने एक ने कई मकाम मुकदसा पर बयान कर दी कि फरमाया कि मुहम्मद सल्ला वल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप रसूल खातिम हैं, खातमन नबीन है नबी हजूर ने खुद फरमाया कि एक घर जो तामीर कोई करता एक ईंट बाकी थी उस महल में कसरे नबूवत की एक ईंट बाकी थी फरमाया वो मैं मोहम्मद था बागे नबूवत के जब सारे फूल खिल चुके आखिरी फूल जो खिला वो रसूल्लाह की जात खिली उसके बाद बागे नबूत में कोई फूल नहीं खिला और यही वजह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए जो कुरान पाक में अहकाम और फरामीन और अजमत को बयान किया फरमाया कि आप कुल्लु कि आप सारे लोगों के लिए नबी बन के आए हैं सारे लोगों के लिए आप पैगंबर और रसूल बन के आ गए हैं और लोगों को जब खिताब किया फरमाया युन्नास ए लोगो तुम सब पर रसूल की इतबा और वाजिब है लाजिम कर दी गई है हुजूर के बाद किसी नबी की गुंजाइश होती, तो अल्लाह हुजूर को किसी एक खास कबीले या खास कौम, खास नस्ल के लिए भेजते जैसे पहला नबियों में हुआ पहले जितने भी अंबिया इक्राम आते रहे तो अल्लाह के इलम अजली में यह बात थी कि उनके बाद एक नबी आएगा वह खास कबीले के लिए था खास कौम के लिए था उनका पैगाम खास नस्ल के लेकिन हुजूर हजूर सलाम के पेगाम को आबदी और अजली फरमा दिया कामिल और मुकम्मल फरमा दिया सीरत और सूरत की सारी मंजिलें तय फरमा दी और इसकी फिर बार बार एक नहीं नबी अली सलाम ने जब भी अपनी नबूवत का जिक्र किया जब भी किया उसके बाद फरमाया ला नबी बाद मेरे बाद नबी कोई नहीं उमर पाक की अजमत को बयान किया मेरे बाद कोई नबी होता तो उम्र होता फरमाया ला नबी या बाद मेरे बाद नबी कोई नहीं मावला कायनात के लिए जब हुजूर ने फरमाया फरमा मेरे बाद नबी कोई नहीं जब भी हुजूर अली हज़ूरतलाम ने किसी सयाबी को इंतहा दर्जे का मुकाम और मरतबा अता किया तो उसके बाद ये जुमला हुजूर फरमाते फरमाते ये सब कुछ इनको मुकाम व मरतबे हैं मगर मेरे बाद नबी नहीं इस शाइबे को तोड़ा गया कि कोई ये ना समझ बैठे कि शायद इस कदर इस याबी को जो मुकाम हुजूर दे के गए हैं शायद हुजूर का जान नशीन और हुजूर का के बाद इसको नबूवत मिली है इसीलिए नबी नबीम के बाद से लेकर आज तक ये वाहिद एक मसला है खत्म नबूवत का जिसपे पूरी उम्मत का इजमा है पूरी उम्मत का इजमा है कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं और जो इस चीज का दावा करे वो मुर्तद है खारज इस्लाम है और जो कोई हिले बहाने से हिले बहाने से अपने आप को नबी मनवाने की कोशिश करता है इन जिल्ली बारूजी असली आरजी मराकी मुजई शराबी वगैरह वगैरह मैं तो हजूर का फैज मुझे मिल गया और हजूर ने खुद कह दिया कि तू ही मेरा हम नशीन है और मैं उसकी मिशन को लेकर चल रहा हूँ तो लिहाजा मैं नायब ख़ाताबीन हूँ मेरे आने से हज़ूर की ख़म नबूत में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक बारीक बात यही है कि जो कादियानीानी या मरजई हज़रा हैं उन वो, इसी वो ये जुमला नहीं कहते कि नबीआई ख़ाताबीन वो तो कहते हैं कि ख़ात्मय मोहम्मद ही मुकम्मल है और वह बार बार इसको बयान करते हैं लेकिन वो कहते हुत में नबूवत और खात्मियत मोहम्मदी में फर्क कोई नहीं हुआ काण जाल के आने से इसीलिए ओलामा ने कहा कि हजूर के बाद नबूवत का इजरा कोई नहीं इजरा नबूवत कोई नहीं अब वो मुकम्मल हो चुका है इसीलिए आयम मुश्तादीन ने इस बाब को सिरे से फरमाया कि इस पर तो बहस ही नहीं हो सकती हजूर के बाद कोई बंदा दावा नबूत करे और कोई उस पर जिरा करे फरमाए जिरा हो ही नहीं सकती इसलिए नहीं हो सकती कि खुद अल्लाह ने फरमा दिया कि प्यारे हबीब हमने आपको खातम बना के बेचा है खुद रसूल ने फरमा दिया कि मैं खा, खातिम हूं और सदी के अकबर से लेके जमूर अस हाब रसूल सल्लात रिदवान तेफाक सलाम के बाद किसी भी जिनस में किसी भी हाल में कोई नबी नहीं आ सकता तो खत्म नबूत का खुलासा कलाम यह है कि इसका माना जो कुरान पाक ने इसको बयान कर दिया कि माँ काना मुहमदु रसूल के मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है ताकि कोई ये नहीं कहे कि मैं मुहम्मद का बेटा हूँ लिहाजा नबूत मुझे मिल गई है और क्या है लेकिन अल्लाह के रसूल रसूल भी कैसे हैं व खातमन नबी जी अब खातिम है इसीलिए किसी नबी को कि पुश्त पर मोहरे नबूवत थी मोहरे खत्म में नबूत नहीं थी मगर हुजूर आए तो मोहरे खत्म में नबूत है और यही वो चीज थी जिस रसूल रसूलुल्लाह फख्र किया करते थे अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है